This is the entry part. स्टूडियो का मतलब है कि आपका जो साउंड डिस्टरबेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, कंप्लीटली अकोस्टिक यू नो प्लानिंग की है, साउंड प्रूफिंग की है, बाहर की आवाज अंदर आ ही नहीं पाए। देयर इज अ रिमोट और आप इस रिमोट से क्या कर सकते हैं, इस कर्टन को अप डाउन कर सकते हैं। आप देखो वॉल को किस तरह से यूटिलाइज किया, एक ही वॉल पे हमने ग्रीन स्क्रीन लगा दिया, एक ही वॉल पे हमने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगा दिया जहां से लाइव सेशन ले सकते हैं, और उसी वॉल पे एसी भी वही वॉल माउंट करवा दिया। अब आते हैं स्पेशली लाइटिंग। जब आप ग्रीन स्क्रीन को यूज कर रहे हैं तो आपको लाइटिंग किसी और तरीके की चाहिए, जब आप यहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो लाइटिंग किसी और तरीके की चाहिए। ये जो लाइट जो आपको दिखाई दे रही है वो ग्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए है। इसके लिए कौन सी लाइटिंग की जरूरत पड़ती है, तो ऊपर आप देखेंगे तो हमने स्पेशल लाइट्स ऊपर लगवाई है। जब मुझे लाइव सेशन लेने होंगे ग्लेयर ना पड़े उसके लिए हमने ऊपर यहां पर लाइट्स का अरेंजमेंट किया है। यहां पर मुझे एक टेबल चाहिए था, बैठ के लेना चाहूं तो उसका लेवल एडजस्ट हो जाए, तो यहां से मैं डायरेक्टली ऊपर स्क्रीन लगा हुआ वहां से मैं अपने पूरे आउटपुट को एडजस्ट कर सकता हूं, देख सकता हूं। तो ये है वॉल ऑफ फेम जहां पर हमने 3 गोल्डन प्ले बटन और 8 सिल्वर प्ले बटन लगाई है। बेसिकली ये पूरा जो प्रॉम्प्टर है जिसमें स्क्रिप्ट है, अप डाउन करने के लिए रिमोट भी होता है, आप रिमोट के थ्रू से कंट्रोल भी कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट को जितना आपने पढ़ा है। सो ओवरऑल प्रॉम्प्टर है, लाइटिंग स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन और ऑडियो का पूरा सिस्टम, ये ऑटोमेटेड स्टूडियो मैंने बनवाया है।